हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन सिंस लास्ट 15 ईयर्स। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे को प्रोलैप्स से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल मिलते रहते हैं, और अभी रिसेंटली जो हमने एक वीडियो पोस्ट किया उस पर हमें कमेंट बॉक्स में मिला है कि यदि आपकी शादी नहीं हुई है, आप अनमैरिड हैं और फिर भी आपको प्रोलैप्स की समस्या है, तो क्या उसका इलाज है, क्या उसका इलाज संभव है, आप इस समस्या को कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रोलैप्स की समस्या एक तरीके से हर्निया की समस्या जैसा होता है, यानी कि जैसे आंते कई बार बाहर आती है जिसको कि हम हर्निया बोलते हैं, वैसे ही बच्चेदानी के भी आसपास का टिश्यू कमज़ोर होने के कारण बच्चेदानी भी वजाइना के थ्रू नीचे आ जाती है, जिसको कि हम लोग प्रोलैप्स कहते हैं। यानी कि बच्चेदानी का अपनी नॉर्मल जगह से हटकर या सरक के नीचे की तरफ आ जाना प्रोलैप्स कहलाता है। अब इसका देखा जाए तो शादी होने या नहीं होने से कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज़ अ बॉडी का जो टिश्यू है वो कई बार कमज़ोर होता है, क्योंकि किसी किसी लेडीज़ को 18 साल में, 20 साल में या 25 साल में भी प्रोलैप्स की समस्या होती है, और इसको हम लोग नली पेरस प्रोलैप्स बोलते हैं। नली पेरस प्रोलैप्स का मतलब होता है कि नली पेरस यानी कि आपको अभी तक कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है, क्योंकि प्रोलैप्स का जो सबसे कॉमन कारण माना जाता है वो है नॉर्मल डिलीवरीज़, और जिसकी जितनी ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती हैं उसको प्रोलैप्स होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कई बार सिजेरियन ऑपरेशन को प्रेफर किया जाता है, ताकि आपका नीचे से जो पैल्विक फ्लोर है जो बच्चेदानी को सपोर्ट करता है और जिसके कमज़ोरी की वजह से बच्चेदानी नीचे सैक डाउन हो जाती है, वो नहीं होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कॉजिटिव फैक्टर है या बहुत बड़ा कारण है प्रोलैप्स होने का। इसलिए जैसे यंग लेडीज़ के अंदर एक प्रोलैप्स की समस्या होती है, जिसका कि डायग्नोसिस हम लोग नली पेरस प्रोलैप्स बताते हैं। अब नली पेरस प्रोलैप्स यदि आपको है, यानी कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे भी नहीं हुए हैं, और फिर भी आपको प्रोलैप्स है, तो इसका मीनिंग ये है कि आपके जो बच्चेदानी के आसपास का जो टिश्यू होता है जो बच्चेदानी को सपोर्ट करता है वो काफ़ी कमज़ोर है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स बोलते हैं इसको। अब इसको सही करने के लिए हमें उस कनेक्टिव टिश्यू को, यानी कि जो कनेक्टिंग लिगामेंट्स हैं जो बच्चेदानी को हड्डियों से जोड़ते हैं, उसके रिप्लेसमेंट के लिए कुछ और फॉरेन मटेरियल यानी कि बाहर से कुछ डालना होता है, और जनरली वो जाली होती है जिसको कि मैश बोलते हैं। तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें मैश की ज़रूरत होती है, और ये जो मैश का जो प्रोसीजर किया जाता है वो दूरबीन के द्वारा संभव है। बच्चेदानी को मैश के साथ अटैच करके जो मैश के दोनों एंड्स हैं वो आसपास की जो लिगामेंट्स हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है या बोन्स हैं, उसके जोड़ दिया जाता है, जिससे कि बच्चेदानी को एक नया सपोर्ट मिल जाता है, नया सपोर्ट क्रिएट कर दिया जाता है, जो कमज़ोर टिश्यू है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाता है, जिससे कि बच्चेदानी अपने नॉर्मल प्लेस पर आ जाती है। अब जैसे ही आप अपना ये ऑपरेशन करा लेती हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे। एक तो जो बच्चेदानी नीचे आ गई थी यानी वजाइना के कई बार बाहर तक आ जाती है, तो बाहर रहने के कारण बच्चेदानी के मुंह पर, सर्विक्स के ऊपर रगड़क लगने के कारण या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, घाव बन जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही बच्चेदानी नॉर्मल अपने प्लेस पर जाएगी तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही बच्चेदानी नीचे आती है आपके वजाइना एक तरीके से ऑब्लिट्रेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आप सेक्स नहीं कर सकते, इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे आपने ऑपरेशन करवा लिया, बच्चेदानी नॉर्मल जगह पर पहुंच गई, वजाइना का लेंथ जो होता है वो वापस से क्रिएट हो जाता है, तो आप नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जी सकती हैं, यानी कि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकती हैं। यदि आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सेक्सुअल लाइफ किसी भी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बच्चेदानी बाहर पड़ी है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, और वहाँ कोई स्पेस नहीं है जहाँ से आप एक्चुअली मैं अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये ऑपरेशन करवाइए, ताकि यूट्रस को, बच्चेदानी को अपने नॉर्मल प्लेस पर फिट किया जा सके, वहाँ पे सिक्योर किया जा सके, और आप अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकें। तीसरा कॉमन सवाल होता है कि क्या इस ऑपरेशन के बाद आप प्रेगनेंसी हो पाएगी। तो डेफिनेटली जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती है या जिनकी बच्चेदानी बाहर है, तो उनको डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी। पहले तो वो इंटरकोर्स नहीं कर पाती हैं, और सेकेंडली ये होता है कि जैसे ही आप इंटरकोर्स कर भी लेती हैं तो यूट्रस यानी बच्चेदानी का जो मुंह है, जो बच्चेदानी वजाइना के बाहर पड़ा है, तो उसमें स्पर्म एंटर ही नहीं कर सकते। उसका नॉर्मल प्लेस पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब यूट्रस यानी सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुँह वजाइना के अंदर होगा, और जब इंटरकोर्स होगा, जब स्पर्म्स आएंगे, तभी वो उसके अंदर एंटर कर पाएंगे, नहीं तो प्रेगनेंसी ही नहीं हो सकती। इसलिए आपको
ये ऑपरेशन हर तरीके से ज़रूरी हो जाता है, और चूँकि आपका कनेक्टिव टिश्यू कमज़ोर है इसलिए हमें रिप्लेसमेंट कुछ तो डालना ही पड़ता है उस टिश्यू को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए मैश प्रोसीजर के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। और जाली दूरबीन से आराम से अंदर इंसर्ट करके दूरबीन से फिक्स कर दी जाती है, नॉर्मल ऑपरेशन है, 1 से 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। और इसमें जनरली किसी तरीके का परहेज़ नहीं बताया जाता है, बस आपको वजन उठाने का परहेज़ रखना पड़ता है, उकड़ू बैठने का परहेज़ बताया जाता है, और आपको खांसी और कब्जे का ध्यान रखना होता है, ताकि खांसी और कब्जे के कारण कई बार पेट पर प्रेशर पड़ता है और जाली अपने स्थान पर सेट होने से पहले ही हिल जाती है, तो ऐसा ना हो। तो आप इन 3-4 चीज़ों का यदि परहेज़ रखते हैं तो डेफ़िनेटली ऑपरेशन 95-98% तक सक्सेसफुल है। तो डेफ़िनेटली इस ऑपरेशन के बाद आप आराम से अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकती है, यानी कि आपको परेशानी से निजात मिल जाएगा, आप अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकती है, आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद आराम से डिलीवरी भी हो सकती है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि यदि आपकी शादी नहीं हुई है और आपको ये प्रॉब्लम हो गई तो अब आपका भविष्य में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, अच्छे से आपकी लाइफ चलेगी। जस्ट एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए तो हम आपका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे और आप आराम से खुशी खुशी आगे की लाइफ कैरी ऑन कर पाएंगे। इससे रिलेटेड यदि और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं, हम डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब देंगे। और आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।